राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो अमर सिंह ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बोफोर्स दर्द को फिर जिंदा कर दिया है। अमर सिंह ने घोटाले को लेकर बिग बी पर जमकर निशाना साधा है और मामले में कई अहम खुलासे भी किए हैं। एक दौर था जब अमर सिंह और बिग बी अमिताभ बच्चन की दोस्ती की चर्चा सियासी गलियारों में खूब होती थी, लेकिन ये दोस्ती अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अमर सिंह ने ऐसे वक्त में अमिताभ पर निशाना साधा है जब राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम आगे आया है। जी हाँ, कुछ समय पहले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिग बी को राष्ट्रपति बनाने की वकालत की थी। इस बात पर बोलते हुए अमर सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति उसे बनाया जाता है जो शख्सियत बेदाग हो। बिग बी के बोफोर्स दर्द को फिर जिंदा करते हुए अमर सिंह ने दावा किया कि बोफोर्स केस में अमिताभ को बचाने के लिए उन्होंने तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर की मदद ली थी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमर सिंह ने कहा, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जाना और चंद्रशेखर के आने का अमिताभ को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था। अमिताभ बच्चन से अंधे मुंह के कारण मैंने जसवंत सिंह से मदद ली थी। अमिताभ के 50 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान सहारा कंपनी ने किया था। आपको बता दें कि साल 2012 में ही अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन इस मामले में अमिताभ का नाम कैसे जुड़ा, आइए जानते हैं। स्वीडन के एक्स पुलिस चीफ स्टेन लिंडस्ट्रोम ने बोफोर्स कांड में अमिताभ का नाम लिया था। लिंडस्ट्रोम के मुताबिक वीपी सिंह सरकार के वक्त उन पर बोफोर्स घोटाले में अमिताभ का नाम जोड़ने का प्रेशर बनाया गया था। स्टेन ने कहा था कि अमिताभ ने इस स्कैम से जुड़े 350 से ज्यादा दस्तावेज भारतीय मीडिया को मुहैया कराए थे। हालांकि बाद में स्टेन ने ही अपना बयान वापस ले लिया था। अब अमर सिंह ने अमिताभ पर आरोप लगाकर नई बहस को जन्म दे दिया है। फिलहाल बिग बी को बोफोर्स मामले में क्लीन चिट पहले ही मिल चुकी है, तो ऐसे में ये आरोप क्या गुल खिलाते हैं ये देखना बाकी है। देखते रहिए जीबी लाइव।